तो यहाँ पर हम हेस क्राउजर या ब्लाइंड कॉर्नर लगाने वाले हैं। ये कॉर्नर है जो है किचन का, जो कॉर्नर होता है ये कॉर्नर है, इस तरफ सिंक है, इस तरफ लगाएंगे हम हेस क्राउजर या ब्लाइंड कॉर्नर। तो ये है हेस क्राउजर और एक वो भी रखा है, तो वो जो है गलत आ गया था, राइट साइड का आ गया, तो ये बाद में आया लेफ्ट साइड का। सो इसको हम पहले सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये आपको दो इसमें ट्रे मिलती हैं, एक ये है एक ये वाली, दो आपको ट्रे मिल जाती हैं, दो ये स्लाइड है, मतलब जो इधर लगेंगे इस तरफ लगेंगे कब्जे की साइड, दो आपको ये मिलते हैं, एक ये पैलमेट पत्ती मिल जाती है, एक ये आपको पाइप मिल जाता है, तो ये इसमें लगेंगे। तो ये एडजस्टेबल है, आप मतलब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दो आपको ये इसके यहाँ के स्लाइड मिलेंगे, मतलब ये चलाने के लिए दो ये आपको सॉफ्ट क्लोज मिलते हैं इसमें, और ये बाकी के इसके स्क्रू और बाकी के जरूरी मतलब सामान। वैसे तो इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है इस पे कैसे, मतलब कैसे कहाँ पे लगाना है, सारा साइज इस पे मेंशन है, तरफ भी कैसे इस तरह इसे जो है असेंबल करना है आपने, लेकिन फिर भी हम जो है आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये इसके स्क्रूज हैं, ये भी ये इसके कवर हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा कहाँ लगाने हैं। ये लगेगी इस तरफ, यहाँ पे लगेगी ये वाली, और ये जो दूसरी है ये ऊपर की तरफ हमारी लगेगी इसमें यहाँ पे। तो इसका साइज सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो आपने ये फ्रंट छोड़ रखा है, फिलहाल मैंने 18 इंच छोड़ रखा है, ये मतलब यहाँ से लेके और इस टक्कर तक ये 18 इंच छोड़ रखा है। तो यहाँ से लेके मतलब अंदर फीता रख के हमें यहाँ पे जो साइज लेना है इसको लगाने के लिए, तो यहाँ पे 476 mm रखना है हमें, 476 mm इस तरह से रखना है और 53 mm इस तरह से रखना है। तो ये उस निशान के पॉइंट के सेंटर पे लगानी है हमें ये वाली, और इसी साइज पे हमें ये ऊपर की तरफ लगानी है ये वाली। तो ये निशान का हमने सेंटर पॉइंट लिया है, मतलब ये जो निशान है इसके बिल्कुल सेंटर में लिया है, इधर वाला निशान भी यहाँ सेंटर में लिया है हमने। इसी तरीके से हमने ये ऊपर का लगा दिया, इसका ये भी निशान के जो है सेंटर में लिया है। तो इस टक्कर से ये 476 mm अंदर है, और ये वाला यहाँ से लेके 53 mm अंदर रखा है हमने, तो ये लगा दिया है। अब हम इधर की जो है पैलमेट वो लगाएंगे इस तरफ। तो ये वाली जो पैलमेट है ये हमें 75 mm अंदर लगानी है करके। तो ये जो है 75 mm यहाँ सेंटर तक रखनी है, जब जाके ये सही सेटिंग में आएगी। सो ये पाइप है जो कॉर्नर में आएगा इसके, अब इनको हम इसमें रख देंगे। ये लग गया है, लगा देंगे। इनको यहां से एडजस्ट करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब किसी भी हॉल में इसे रोक सकते हैं आप, यहाँ रोकना है जितनी मतलब हाइट चाहिए आपको उस हिसाब से आप इसे रोक सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ फिलहाल, बाद में हम एडजस्ट करेंगे कि कहाँ पे क्या आना है।
तो ये अभी जैसे कि मैं बाहर ला रहा हूँ इसको, लाने के बाद ये यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे इसकी टक्कर पे लग रहा है ये यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ इनोटेक ये जो एस क्राउजर है इसके नीचे आपको लॉक मिलता है ये वाला, जहां पे आपने ये रोकना है। लाइक हमें थोड़ा पीछे से पीछे रोकना है करके, ये तो इसको थोड़ा पीछे करके हम इसको इधर रोटेट करेंगे। तो मतलब पहले अभी जो है हमने रोटेट किया है, पहले ये इतना गैप था इसमें, अभी रोटेट करने के बाद ये इतना हो गया, तो ये यहां पे रुक जाएगा आने के बाद। अब आप देखिए, मतलब आप अगर इसको करेंगे तो ये मतलब लॉक हो गया है, पीछे ही रहेगा इससे। अभी इसमें आधे इंच का गैप हो गया है, तो ये जो है उसका लॉक है। इस तरह से आप नीचे वाले को भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको लगानी है। तो ये स्क्राउजर हमने लगा दिया है, ये सॉफ्ट क्लोज है इसका, थोड़ा स्लोली काम करता है। और यहाँ जाने के बाद ये बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है आगे जाने के बाद। इसी तरीके से ये नीचे वाला है, तो ये लग के हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन आपको इस पे देखने को मिलते हैं सारे, कहाँ से क्या करना है। जैसे मैंने 53 mm किया है, 476 mm जो है ये साइड से किया है, ये सारा कुछ बॉक्स का पैटर्न बना के और आपको समझाया जाता है। तो आप इसमें से जो है देख के आप आराम से इसे फिट कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू।